हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे प्रोसेसर के बारे में जो बहुत चीप और पुराना है, लेकिन आज के टाइम पे भी आपको गेमिंग करवा सकता है। ये प्रोसेसर इंटेल की सीरीज़ में से LG775 सॉकेट टाइप का प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि अगर आपका मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं भी करता, तो फिर भी आप इसको एक ट्रिक से ओवरक्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंटेल का कोर 2 क्वाड Q6600 है। इसमें आपको मिलते हैं 4 कोर्स, 4 थ्रेड्स, 2.4 GHz की बेस क्लॉक और 8 MB L2 कैश और 105 वॉट्स का TDP। अब जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको 2.4 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब ये वो ट्रिक इस्तेमाल करके इस प्रोसेसर को आप 3 GHz तक ओवरक्लॉक किया जा सकता है। इसकी बैक चिप्स पे अगर टेप लगा दी जाए तो ये ओवरक्लॉकिंग हो सकती है। इस तरह इसकी मदद से आपको CPU डिमांडिंग गेम्स में, जिन गेम में CPU का ज़्यादा रोल होता है, जहाँ पे एक्सप्लोजन वगैरह ज़्यादा होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा रेंडर करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको एक स्टेबल और अच्छे फ्रेम्स मिलेंगे, जैसे कि PUBG जो गेम है। बात कर लें इसकी प्राइस रेंज की, तो ये आपको ऑफलाइन मार्केट में ₹1000 से ₹1500 का मिल सकता है। ये प्रोसेसर ऑनलाइन वेबसाइट से मत बाय कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेसर अब नया आना बंद हो चुका है, इंटेल ने इसको रिलीज़ करना छोड़ दिया है, तो अब आपको प्रोसेसर यूज़ नहीं मिलते हैं, तो वो स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन। इस प्रोसेसर को यूज़ में बाय किया जा सकता है। प्रोसेसर यूज़ में बाय करने का ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रोसेसर 90% ऑफ द केस में आपके PC प्रोसेसर की वजह से ख़राब नहीं होता। तो आई विल रिकमेंड यू बाइंग इट सेकेंड हैंड और यूज़ फ्रॉम अ शॉप ₹1000 to ₹1500 का। अब मैं आपको ऑन स्क्रीन इसके बेंचमार्क्स। ये थे हमारे बेंचमार्क के रिज़ल्ट। इस प्रोसेसर ने काफ़ी गेम्स में बेहतर परफॉर्म किया, और ये जो प्रोसेसर है उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो कम पैसे में अपग्रेड करना चाह रहे हैं, लो बजट ओरिएंटेड PC जिन्होंने बिल्ड किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करें।